खनिज अधिकारी दफ्तर से गायब अवैध खनन जोरों पर। बिहार में खनिज विभाग द्वारा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं करने से अवैध खनन का गैर कानूनी धंधा जोरों पर चलता दिखाई दे रहा है। हॉराइजन इनकी टीम ने अचानक खनिज कार्यालय का जायजा लिया तो खनिज विभाग के कार्यालय में खनिज अधिकारी की कुर्सी खाली दिखाई दी। जब कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी से अधिकारी के बारे में पूछा तो उन्होंने भी अपने अधिकारी के नदारद रहने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। दिलचस्प बात तो यह रही कि जब एनजीटी ने अवैध खननकर्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दे रखे हैं, उसके बावजूद ब्यावर के खनिज अभियंता सुशील शर्मा सबसे ज्यादा ट्यूरों पर रहकर अपनी नौकरी के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। खनन विभाग के अधिकारी के बिना कारण बताए और बिना हाजिरी रजिस्टर में इंदराज किए बगैर गैर हाजिरी रहने से अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। काले में जाने पर खनिज अभियंता की कुर्सी खाली हुई, उनके उपस्थित रजिस्टर में 2 जुलाई के बाद ना तो कोई उपस्थिति दर्ज नहीं है और न ही चेकिंग या ट्यूर दिखा रखा है। कुल मिलाकर उपस्थिति की जगह खाली पड़ी दिखाई दी। अंत सुप्रीम कोर्ट के अवैध खनन पर लगाम लगाने के आदेश की पालना कर अपने पद अनुरूप फर्ज अदा करें। कार्यालय खनिज अभियंता के बगैर चल रहा है। यहाँ के रजिस्टर भी देखा गया है कि उपस्थिति पंजिका में 2 तारीख के दिन टूर दिखाया गया है। 2 तारीख से लगा के आज 5 तारीख हो गई। 5 तारीख में नदारद यहाँ पे दिखाया गया है और अनुपस्थिति दर्शाई गई है। यहाँ के अधिकारी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई पता नहीं है। जब हमने इस बारे में यहाँ के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की है। बात यह है कि ब्यावर उपखंड क्षेत्र पूरा माइनिंग खनिज खानों से पूर्ण भरपूर है। यहाँ पे माइनिंग भी होती है और ये भी शिकायतें आती है कि अवैध खनन को लेके दिखावे के रूप में कार्रवाई की जाती है, परंतु सत्यता कुछ और ही नजर आ रही है। इसमें काबू लगना चाहिए। राजस्थान सरकार भी इस खनन विभाग ब्यावर के की ओर गौर फरमाए और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे। हेमंत साहू, प्रकाश भाट के साथ हरिजन हिंद, ब्यावर।